इलाका बड़ा प्यारा है, ऐसे ही है कुछ। क्या नाम है आपका? अमरेश। हाँ हाँ सॉरी, फिर बोले। गुलरेज नाम। गुलरेज भाई, गुलरेज भाई खुश लग रहे हैं, ऐसे ही है कुछ। हाँ, बहुत खूबसूरत इलाका है। खूबसूरत इलाका है। माशाल्लाह, ट्रेनिंग आपकी अच्छी रही है? बहुत अच्छा था। काफी मुझे तो बेहतर लगी है। खुद हाँ, एक्सप्लेन करें, अपनी फीलिंग बताएं जी, क्या है, क्या समझते हैं? बहुत बेहतर हो ये इंशाल्लाह। अगर आज वापसी हो जाएगा तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह मुतमैन, पूरा मुतमैन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ब्रेक के साथ गेट डाउन करें, दूसरा ले। पत्र उतराइयों में जब भी गेट डाउन करें ना, पहले क्या रखनी है? ब्रेक। अब क्लच ब्रेक को उठाएं ताकि गियर में आ जाए, समझे बात को? उतराई में आपने गेट डाउन करना होगा तो क्या करेंगे? दूर है क्या ना, जाने दें। दूर देखे, दूसरा गोरा ये सीधा करो। मतलब लाजमी है, अगर आप साथ में ब्रेक नहीं रखते तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है? आज़ाद हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो है कि आप ब्रेक पहले रख लिया करें ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। अब ये आगे देखें, मोड़ भी है और मोड़ में ये सिग्नल ही हमें कह रहा है, मोड़ के आगे शॉर्ट सा ब्रिज भी है, मीन कि तंग ब्रिज है। अब आपने लाइन नहीं छोड़नी बाइक के, देखें आप घुमाओ इधर, दूर घुमाओ, घुमाओ इधर, ये चीज़ है। सीधा कर ले, दो ब्रिज हैं, एक छोटा नीचे और ये बड़ा ब्रिज है। चलें जी गुरेज भाई, इलाका कैसा लगा आपको? सूरत इलाका है, बड़ा बड़ा पहाड़ है। आपका गांव कौन सा है वैसे गुरेज भाई? बड़ा ग्राम है। बड़ग्राम से तलक रखते हैं जी। हाँ, बड़ग्राम के इलाका भी इसी टाइप का ही है, ऐसा ही है कुछ? थोड़ा कम पहाड़ है, ज्यादा बड़ा है ये। बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा आपके इलाके में थोड़े छोटे पहाड़ है, ऐसा कुछ है? जिस तरह कुस्तान का पहाड़ होता है। ये देखे ना नीचे, ये हमारी एक चश्मा भी जा रहा है, दौड़ जा रही है, ये दौड़ जा रही है। और लोग यहाँ आते भी हैं, सैर तफरी के लिए भी आते हैं। अभी कौन सा गियर गुलरेज भाई आपने लगाए हुए? तीसरा गियर लगाए हुए। तो गाड़ी खींच रही है कि नहीं खींच रही? खींच रही, थोड़ा उतर रही है, थोड़ा हल्का सा चढ़ाई आ गया, हल्का सा चढ़ाई है ना, खींच रही है। जब ना खींचेगी तो कौन सा गियर लेंगे फिर? दूसरा नहीं खींचेगा तो कौन सा लेंगे? पहला गियर लेंगे। यही बातें मैंने आपकी, जो उन रोडों पे नहीं सिखा सकता था, इन रोडों पे आके इस तरह के ट्रैक पे जो नहीं थी माइंड में, तो वो मैंने आज आपकी क्लियर की है। मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहोगे गुलरेज साहब? मैं तो सब भाइयों को कह रहा हूँ कि जब भी अगर गाड़ी से यहाँ आपने तो गेट डाउन करना है। अच्छा, गेट डाउन करना है। कौन सा लगाया है? दूसरा लगाया है जी। चले जाए, रेस नहीं, थोड़ा मिस कर गए आप, दूसरे का एंगल सही नहीं डाला आपने, लगा दूसरे ही रहे थे। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन मैंने दी है उस तरह लगाते हैं ना, फिर गियर आपका सही लगता है, ऐसे ही है कुछ? ये मिस्टेक छोटी छोटी तो होनी थी, इन्हीं से तो आपने सीखना था, ठीक है ना? तो हाँ, क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे इंस्टीट्यूट के बारे में? जी, मैं ये बोल रहा था अगर गाड़ी सीखना है तो शेप बाई से अगर सीख लेगा तो बहुत आसान तरीके से, मुश्किल भी आपका नहीं होगा और टेंशन भी नहीं होगा, बहुत खुशी से ही सिखा लेगा और थोड़े दिन में सिखा लेगा। अगर जो भाई को मिसाल तौर पर 5 दिन में जल्दी है तो 5 दिन में भी सिखा सकता है, अगर 10 दिन में 10 में भी दिखा सकता है, अगर टाइम ज़्यादा है तो 20 दिन आप लोग दे रहे हैं, ऐसा सारी बातें हैं। लेकिन वो जो स्लोली स्लोली आपको चीज़ जो मैंने प्रॉपर एक कोर्स का टाइम रखा हुआ है 20 डेज ट्रेनिंग के हैं, वो अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा करके अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, मलक ड्राइविंग का वीडियो देखते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कौन से मलक ड्राइविंग? यूट्यूब पे चैनल जो बना हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं उस चैनल में जाके आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल सकती हैं, ऐसे कुछ? वहाँ से बहुत जो है ना आसानी हो जाता है, जो हमने सीखा खुद 2-3 दिन वो देख के ना बहुत आसानी हो गया, इंजन हवाले से, शारो का हवाले से, ब्रेक वगैरह, चढ़ाई में कैसे चलता है, रोकता कैसे, अगर चढ़ाई मेरे वश में आता है उसको कैसे उठाना पड़ता है, तो सब कुछ जो है ना हमने वीडियो से सीख लिया। अभी तक हमने आपने बार वाले दिन हम मां के नहीं सीखा हुआ है, आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन वीडियो से आपने काफी चीजें कैच कर ली है। लेकिन अगर संडे को अगर आप आते मेरी क्लास में ना, लाइव क्लास में, तो वो कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सवाल भी मेरे सामने आते ना, तो मैं उनको क्लियर भी कर देता। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वीडियो में भी देख सकता है और कम दिन में भी सीख सकता है, अगर टाइम है तो बेहतर है, 20 दिन में आके इतवार वाले दिन फारिग टाइम में भी सिखा दे सकते हैं। सही है यार, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे आपको कोई परेशानी नहीं होगा अगर ड्राइविंग सीखने, जैसे आपका मिजाज है उस मिजाज से आपको उस्ताद सिखाएगा,
मतलब आपके साथ दोस्ताना माहौल मैंने रखा हुआ, ऐसा है कुछ? बिल्कुल ऐसा करता हूँ मैं। नहीं नहीं अभी तक तो नहीं किया, अगर इसको बाद भी तो आप गलती करेगा छोड़ेगा भी नहीं करेगा मैं। हाँ अब गुस्सा करना मेरा हक बनता है इसके बाद। पहले तो आपका सीखने का प्रोसेस था ना जी, तो गुस्सा मैं क्यों करता, क्योंकि आप जब क्लियर हो गए हैं, अब गलती करेगा तो आप छोड़ेगा नहीं, हम आपको गुस्सा करेगा, ठीक है। और ये दूसरा भाई आपके साथ एक जो था जिसको उर्दू नहीं आता था ना जी, जी तो उसको मैंने पश्तो में जो डीलिंग की है, पश्तो में चीज़ें सिखाई हैं, ज़्यादा पश्तो बोल तो नहीं सकता, अलबत्त समझ आती है, लेकिन ड्राइविंग से रिलेटेड पश्तो में मैं हैंडल कर लेता हूँ बंदे को, वैसा है कुछ? हाँ पश्तो में भी आपको पश्तो पूरा समझ आता है, लेकिन बोलना थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें भी हमारे को समझ आ जाता है। जब आप पश्तो में पूरा ड्राइविंग आपने पश्तो में हमारे को सिखा दिया, मुजक्कर का फर्क लगा रहा हूँ, जिस तरह आप लोग उर्दू में लगाते हैं मैं पख्तों में लगाता हूँ, ऐसा ही कुछ लगाते हैं। आके दासी हो का तलाशा ने गेर लगाई, दासी चढ़ी की बजी उतरी की बजी, मोड़ की ब्रेक लग चिती जी उतरी की ब्रेक लग अखपाला ओल उड़ी पस्ता पकड़नी सी। तो अगर परेशानी कोई नहीं है, पूछो ये दोनों जबान आपको आ रहे, तो इसलिए अगर पठान लोग सीखते तो इसके लिए भी परेशानी नहीं है, उर्दू वाले को तो खुद नहीं है कि उनका आप लोग तो उर्दू जबान वाला है। मेरे हिसाब से अगर आप पठानों को भी सिखाएगा, उसको पठान से ज़्यादा सहूलत यहाँ होगा, मतलब पश्तो में भी मैं डील कर सकता हूँ। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, नए बंदे को पश्तो से रिलेटेड चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन बोल सकता है। माँ पख्तो अलग अलग पोए दे, जैसा ना पोए दे, ठीक है जी। गुलरेज भाई मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, गुलरेज भाई आगे एक होटल आएगा, होटल आएगा हम वहाँ बैठ के चाय भी पीते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा जी गुलरेज भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जितना हमारा भाई है वो भी दुआ करे कि भाई भाई को अल्लाह पाक कामयाब करे, इसने हमारे साथ बहुत मेहनत की और बहुत खुशी से किया और बहुत कम दिन में किया। बड़ी मेहरबानी जी, आपके अपनी भी थोड़ी मेहनत बीच में शामिल है ना जी, आपने इंटरेस्ट आपका था ना, तो इसलिए पैक कर लिए जी। अल्लाह हाफिज़ जी।